हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशतता प्रश्नावली की। और प्रतिशतता प्रश्नावली में आज का हमारा जो टाइप है, टाइप नंबर 4, और टाइप 4 का आज हम करेंगे 4B। और इसके अंदर भी ट्रिक है भी, और क्या है ट्रिक उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रश्न देखते हैं किस तरह के प्रश्न टाइप 4B में होंगे। जैसे ये प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% वृद्धि, तत्पश्चात 20% कमी कर दी जाती है। किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% वृद्धि, तत्पश्चात 20% कमी कर दी जाती है, बताओ उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 20% कमी, सेकंड 20% वृद्धि, थर्ड नए कमी नए वृद्धि, और फोर्थ है नन। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% वृद्धि कर दी और उसके पश्चात 20% कमी कर दी। तो उसके आय में 20% बढ़ाया था तो 20% कमी कर दी, नए तो वृद्धि हुई नए कमी हुई, उनको ऐसा लगता है। और यह है सी ऑप्शन करके आते हैं, नए कमी नए वृद्धि, लेकिन ये गलत है। प्रश्न देखिए क्या था, एक व्यक्ति है उसके आय में 20% क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, और उसके बाद 20% कमी की जा रही है। देखिए कंसेप्ट से करवा रहा हूँ पहले, बाद में हम ट्रिक करेंगे। कोई व्यक्ति है, मान लो वह 1000 रुपये कमाता है, पहले उसके आय 20% बढ़ा दी जाती है। तो 20% अगर बढ़ा दी जाए तो 1000 का 20% देखिए, 1000 का 20% 200 रुपये बढ़ा दी जाती है तो उसकी इनकम कितनी होगी, 1200 रुपये हो जाती है। उसकी इनकम कितनी होगी, 1200 रुपये। अब क्या है, 20% कमी कर दी जाती है। अब मतलब 1200 में आज उसको इनकम है 1200 रुपये मिल गए, उसमें 20% कमी कर दी जाती है। तो 20% किसका, 1200 का। तो 1200 का 20% देखिए, 1200 का 20% हम बात करें 240, यानी इस 20% का मतलब है 240 रुपये कम कर दिए जाते हैं। तो 1200 में से 240 कम कर दो, 960 रुपये। 960 रुपये अब इनकम उसकी हो गई। पहले कितने रुपये कमा रहा था, 1000 रुपये कमा रहा था, और कितने पर आ गया, 960 पर आ गया। मतलब उसको 40 रुपये का एक तरीके से लॉस हो रहा है। और हमें परसेंट में बताना है भी, 40 रुपये का नुकसान हुआ, कमी होगी, किससे हुई कमी, 1000 बड़ी संख्या से कमी होगी, और प्रतिशत लगाना है गुना में 100, 20 से 20, 0 से 0, मतलब 4% की उसको क्या होगी, कमी होगी, 4% की उसको क्या होगी, कमी होगी। तो यह तो कंसेप्ट है। बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक में पहचान होनी जरूरी है। तो जब भी 4B के सवाल होंगे, 4B के सवाल होंगे, तो पहचान देखिए ये होगी, जितने परसेंट वृद्धि उतने प्रतिशत कमी, ऐसा कुछ दिया होगा। जितने परसेंट वृद्धि उतने परसेंट कमी, ऐसा कुछ दिया होगा। अथवा विलोम का मतलब हुआ भी, इसी लाइन को उल्टा बोले कि जितने परसेंट कमी होगी उतने परसेंट वृद्धि होगी, ऐसा दिया होगा। तो ऐसे सवालों में सदैव लॉस होता है, सदैव हानि होती है, ऐसे सवालों में सदैव कमी होती है, हानि कमी लॉस जो भी है ये होता है। और जो ट्रिक है, कितना लॉस होता है, a² / 100% का लॉस होता है, a² / 100%, ये हमारी ट्रिक है, a² / 100%। तो देखिए कैसे करेंगे, ट्रिक से जब करेंगे, हमें दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% वृद्धि और उसके पश्चात 20% कमी कर दी जाती है,
तो बताओ उस व्यक्ति की आय में कितने परसेंट कमी अथवा वृद्धि हुई। तो भाई जितने परसेंट वृद्धि की उतने परसेंट की कमी हो रही है। तो ऐसे सवालों में हमेशा ही कमी होती है, और कमी होती है ए स्क्वेयर बटा सौ। ये रकम जो एक जैसी है ना, ये ए है, मतलब 20 की स्क्वेयर बटा सौ, 20 की स्क्वेयर बटा सौ, 20 की स्क्वेयर कितना 400 बटा सौ, मतलब 4% की क्या होगी, कमी होगी। ऐसे सवालों में सदैव कमी होती है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कितने परसेंट की कमी हुई है, 4%। यानी पहचान करनी है जितने परसेंट वृद्धि दे रहा है उतने परसेंट कमी है। तो ऐसे सवालों में हमेशा कमी होगी, कितनी ए स्क्वेयर बटा सौ, ए जो रकम दी है 20 दी हुई है, तो 20 की स्क्वेयर बटा सौ 400 बटा सौ, मतलब 4% की कमी। तो ऐसे कुछ सवाल करते हैं, इसको देखो। देखिए हम जो कर रहे हैं टाइप चार में चार बी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पर्सन देखिए हमारा सेकंड पर्सन, हमें दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या में पहले 10% कमी, तत्पश्चात 10% वृद्धि कर दी जाती है। बताओ किसी वृत्त की त्रिज्या में पहले 10% कमी, तत्पश्चात 10% वृद्धि कर दी जाती है। बताओ वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ये प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी ऐसा सवाल मिले जितने परसेंट की कमी या जितने परसेंट की वृद्धि है उतने परसेंट का अपोजिट होना चाहिए। तो 10% की पहले कमी की जा रही है और बाद में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है। जितने परसेंट कमी है उतने परसेंट की वृद्धि कर दी जा रही है। तो ऐसे सवालों में हमेशा कमी होगी, और कितनी कमी होगी, ए स्क्वेयर बटा सौ, और ए यह रकम है। तो 10 की स्क्वेयर बटा सौ, मतलब 100 बटा सौ कितना गया, 1% की हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो समझ में आ रहा है ऐसा सवाल। तो एक सवाल और देता हूँ आपको, करके बताएं क्या आप कर सकते हो। प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा में पहले 15% वृद्धि, एक वर्ग की भुजा में पहले 15% वृद्धि, तत्पश्चात 15% कमी कर दी जाती है। बताओ वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो भी ऐसे सवालों में कि हमें पता है कि हमेशा ही क्या होती है, कमी होती है। कैसे सवालों में भी हमें 15% की वृद्धि दे रहा है और 15% की कमी दे रहा है, तो ऐसे सवालों में सदैव क्या होगी, कमी होगी। तो कितना होगा, ए स्क्वेयर बटा सौ, मतलब 15 की स्क्वेयर बटा में 100। तो 15 की स्क्वेयर 225 और बटा में 100, 20 काट के यहाँ पॉइंट लगा दो, 2.25% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे सवालों में फिक्स है क्या होगी, कमी होगी। तो समझ में आ रहे हैं आपको सवाल, इजी सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए। ए की आय में पहले 8% वृद्धि तथा उसके बाद 8% कमी कर दी जाती है, ए की आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ या कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। तो बताओ जितने परसेंट वृद्धि कर रहे हैं उतने परसेंट क्या है, कमी है। तो ऐसे सवालों में हमेशा कमी होगी, कितनी होगी, ए स्क्वेयर बटा सौ, मतलब 8 की स्क्वेयर बटा में 100। तो 8 64 बटा 100, मतलब हो गया 0.64% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 20 काट के पॉइंट लगा दिया मैंने, 0.64% क्या हो जाएगी, कमी। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही।
तो अब आपको समझ में आ गया होंगे ये सवाल। सीता की आय पहले 25% घटा दी जाती है, तत्पश्चात 25% बढ़ा दी जाती है, बताओ सीता की आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो देखिए पहले 25% बढ़ा दी जा रही है, बाद में 25% घटा दी जा रही है, या पहले घटा दी जा रही है बाद में बढ़ा दी जा रही है, सेम रकम है, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, और कमी कितनी होगी, ए स्क्वेयर बटा 100। तो 25 दिया हुआ है, 25 की स्क्वेयर बटा 100, 25 की स्क्वेयर 625 बटा में 100, तो कितने परसेंट, 6.25% क्या होगी, कमी होगी, 6.25% क्या होगी, कमी होगी। तो स्टूडेंट्स यह था टाइप नंबर 4 का 4B। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ कोई चीज़ समझ नहीं आए हो तो कमेंट में वह भी लिखें। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हमारा ऐप SK गुरुकुलम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना नहीं भूलें। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लें। तो वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।